कटंगी नगर में संपन्न हुआ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यक्रम। आज कटंगी नगर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के अलावा परिवार के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारी समाज सेवी उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों का विवाह सामग्री व चेक के माध्यम से राशि सौंपकर उन्हें सुखद मंगल कामनाएं जीवन की बधाई दी। सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का कार्यक्रम कटंगी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। कटंगी जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि पहली बार इस योजना के तहत 283 जोड़ों ने विवाह के बंधन में बंधकर एक दूसरे का हाथ थामा और अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी और परोपकारी योजना के लिए सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार और धन्यवाद प्रकट किया एवं सभी सामूहिक विवाह में आए लोगों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था भी करवाई गई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो योजना है सामूहिक कन्यादान योजना, उस कन्यादान योजना में यहाँ पर 283 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है। इसका आयोजन जनपद पंचायत कटंगी और सरकार के नुमाइंदों के साथ मिलकर किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कविता अरविंद देशमुख, साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी युवा नेता इंजीनियर प्रशांत भाव मिश्राम ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है। साथ ही यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य, जनपद सदस्य, कई ग्रामों के ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच सहित हजारों की संख्या में इस ग्राम पे पहुंच करके नव युगल जोड़ों को परिणय सूत्र में बंधने की बधाइयां प्रेषित किया है। कार्यक्रम काफी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और वरिष्ठ सामाजिक गणमान्य जनों की उपस्थिति यहाँ के लिए काफी अच्छी मानी गई। वही मुख्य कार्यपालन अधिकारी शुक्ला जी ने बतलाया कि ऐतिहासिक कार्यक्रम कटंगी के मैदान पर जो 283 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है उनको हार्दिक बधाइयां देते हैं। हम आपको जन्मभूमि टाइम्स जेबीटी अवार्ड टीवी की टीम की ओर से नवयुगल दंपति को उनके दाम्पत्य जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और आने वाले समय के लिए उज्जवल भविष्य के लिए पुनः एक बार बधाई प्रेषित करते हैं। मैं सुरेंद्र गजबिये, साथ ही मेरे सीओ गोस्वामी जी।